स्नैप हो जा बेटे। बचा सकते हैं। और ये जो कार्य का बच्चे को, किसी भी बच्चे को सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक काम कर ही लाया सकता, ठीक है। और इसकी भी और बाल मजदूरी जो है, बाल मजदूरी निषेध का मंच पर विराजमान साथ में रिटायर्ड कैप्टन बलवान सिंह गढ़वाल जी, राष्ट्र विभाग से रिटायर्ड अनुभव प्रेम सिंह साधवी इंदिरा के न्यायाधीश मैडम शीतल शर्मा जी, उनके साथ मंच पर बैठे हुए प्रधान नरेश जी, उपप्रधान सुरेश जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेड टीचर श्री सुरेंद्र सिंह जी तथा मंच पर विराजमान पत्रगण तथा भिन्न भिन्न गांव से आए हुए माताओं बहनों बुजुर्ग, सबसे पहले मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में विधिक कानून के बारे में जानकारी जो आज आपको दी जा रही है, इसमें गांव से आए हुए सभी का मैं यहां पर पहुंचने का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और खासकर मैडम जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज छुट्टी के दिन इतना कीमती समय निकालकर आप लोगों के बीच आके आपको खुद यहां पर जो है कानून के बारे जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मैडम जी का एक बार फिर कृपया तालियों से जो है हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे मंच पर बैठे हुए अरविंद एडवोकेट अरविंद जी ने आपको जो इनका पहले मैं नाम भूल गया था, तो इन्होंने सबसे पहले जो आपको कानून के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो मैं समझता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा, तो कुछ बातें मैं भी आपको कानून के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको नशा के बारे में जो आपका ध्यान लाना चाहता हूं, आजकल नशा जो है एक बहुत मीठा जहर बन के जो है हमारे समाज में उभर रहा है, खासकर पंजाब में, और इसके साथ साथ हमारे जो हिमाचल का बॉर्डर है इसमें नशा जो है इस पर जो काफी स्तर पर जो है पहुंच चुका है। खासकर चिट्टा आप लोगों ने नाम सुना होना, शायद कई जानते हैं और लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि चिट्टा नशा होता क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। नशा जो है कोई भी किसी प्रकार का नशा हो, नशा जो नशा ही होता है, खासकर उसमें कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में या पीजी में कोई ना कोई बच्चा इसमें लिंक होता है, और वो यहाँ चाहे हिमाचल में आता है नशा उसमें लगा होता है, यहाँ और किसी को लगा देगा, दो चार और इसके बाद जुड़ेंगे। और पहले की तरफ से हम लोग हर एक गांव में और हर एक छोटे छोटे कस्बे में जाके ये प्रोग्राम करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण हमारा एक न्यायिक संगठन कह लीजिए इस तरह से है, जो कि सभी लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। कानूनी व्यवस्था किस तरह से होती है वो सब जानकारी देने के लिए, आप लोग कानून को किस तरह से कोर्ट में जा सकते हैं, किस तरह से अपनी समस्याएं ज़्यादा आसान तरीके से कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसके लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये एक संगठन प्राधिकरण बनाया गया, अथॉरिटी जिसको हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारा गांव में आके या बाकी सब जगह पे जाके कानून की जानकारी देने का मकसद ये होता है कि जैसे जो भी व्यक्ति है उसको कानून की हर एक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। अब आपके बच्चे, सब लोगों के बच्चे स्कूल जाते होंगे,
तो स्कूल में सभी लोगों को संविधान कानून की जानकारी कानूनी पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लोग स्कूल नहीं गए हैं या जो लोग बाहर नहीं गए हैं तो उनको कानून की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि कोर्ट और कचहरी से सब लोगों को दूर ही रहना चाहिए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप लोगों का जो यहाँ पर गांव है या कितना बड़ा गांव है, मतलब कितनी आबादी है? हाँ, आप लोगों की यहाँ पर गांव से जितने भी जो लोग यहाँ पर आए हैं, कभी आप लोग कोर्ट में गए हैं? कभी नहीं है, अच्छी बात है। कभी कोई नहीं है तो अगर किसी को कोई समस्या आती है, आपको क्या लगता है कि जो अदालत जो बनी होती है वो क्यों बनी होती है, किस चीज के लिए होती है अदालतें? ऑफेंडर के लिए। हाँ, ऑफेंडर के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने कानून की अवहेलना कुछ करी है, किसी ने कोई कानून तोड़ा है, तभी वो अदालत में जाता है, ऐसे? छोटे बच्चे भी बैठे हैं, आप मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति कानून की अवहेलना करता है या कानून को नहीं मानता है, तभी उस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाया जा सकता है या तभी वो व्यक्ति कोर्ट में आता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है किसी भी समस्या के हल के लिए जो है? हाँ, मतलब जो हमारी अदालत होती है वो, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, कोई कानून को नहीं मानता है, तो उसको अदालत में लेकर आया जाता है, किस चीज के लिए? उसको पनिशमेंट देने के लिए, यानी कि उसको सजा देने के लिए। तो वो सजा देने के लिए तो उसको तो पुलिस लेकर आती है अदालत में। लेकिन अगर किसी की समस्या होती है, जैसे आपके जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं, तो उसके लिए भी तो आप लोग अदालत में आते हो। अब अदालत में आप लोग क्यों आते हो? क्योंकि आप लोग उस झगड़े को या आपकी वो जो समस्या है जमीन की, जायदाद की, नाम की या किसी भी चीज की, वो आप लोग खुद आपस में सुलझा नहीं सकते। तो जब आप लोग आपस में नहीं सुलझा सकते हो तो आप कानून की मदद लेते हो। अब कानून की मदद लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कहीं किसी एक जगह पर जाना पड़ता है, जैसे पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है? किसी ने कोई और कोर्स करना है, किसी ने कुछ और सीखना है, कुछ भी सीखना है, इंजीनियरिंग करनी है तो कॉलेज जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपका कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें कि कानून व्यवस्था का भी मतलब होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको अदालत में आना पड़ेगा, ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति, जितने भी जो यहाँ बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो भी लोग हैं, कभी भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अदालत में गए तो या तो बड़ी शर्म की बात होती है या कि बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले अदालत में जाने के लिए बहुत समस्या होती थी, बहुत ज़्यादा क्या होता था, यहाँ से मैं खुद ही सोचती हूँ कि किसी ने यहाँ से हमारी अदालत में घेरा आना है तो समस्या ही है एक तरह से, है ना? मतलब पहले आपको सोचना पड़ेगा, सुबह बस लेनी है, बस लेके फिर आप सुबह सुबह वहाँ पहुँचोगे, फिर आपका पूरा एक दिन लग जाएगा हमारी अदालत में पहुँचते। तो हमेशा मतलब क्योंकि दूर है, तो अब वही दूरी आप लोगों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके गाँव में आते हैं, ठीक है, पूछने के लिए कि आप लोगों को कोई समस्या है, कोई ऐसी समस्या हो जो हम लोग आपके साथ बैठ के सुलझा सकते हैं। और उससे भी बड़ा जो काम है वो क्या है, जो आपके धर्म आसन लगा है, आपके गांव में एक धर्म आसन होता है जिसमें आपके पंचायत के प्रधान होते हैं, पंच होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। और वो किस लिए बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी जो समस्या है, कोई भी छोटी समस्या, जैसे कानून साहब ने आपको बताया कि अगर आप लोगों का कोई जमीन का झगड़ा है, बनने का झगड़ा है, और कानून के अंतर्गत दी गई है कि आप जो छोटी छोटी समस्याओं का निवारण कर सके, आपको हर समस्या को लेकर हमारी अदालत में ही नहीं आना पड़ेगा, ठीक है? ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या होता है, जो आप लोगों की और ज्यादा जो जैसे समस्या होती है, सबसे ज्यादा समस्या है जो हमारी अदालत में, जो मेरे को हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा मेरे को चाहिए, अब सबको कौन सा हिस्सा चाहिए होता है जो सबसे अच्छा होता है, होता है ना? मेरे को भी वही चाहिए होगा। और जैसे मैं वहाँ बैठी थी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे धूप में बैठना था, तो मेरे को ये हिस्सा चाहिए था, ठीक है? इसी तरह से चार भाई अगर होंगे तो चारों भाई आपस में लड़, किसी एक को क्या सबसे अच्छा हिस्सा मिल सकता है? जैसे अगर यही वाला एक खेत है
अब चार भाई इस खेत के लिए लड़ाई करेंगे तो कैसे आपस में लोग अगर ऐसा कोई झगड़ा हो जाए तो बताओ सबसे पहले कहाँ जाओगे, क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें कुछ गैर जमानती मुकदमे होते हैं। तो जब गैर जमानती मुकदमे में किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो क्या करती है, कैसे गिरफ्तार करते हैं किसी को, कैसे गिरफ्तार करते हैं? वो ऐसा ही साहब वो आए उन्होंने देखा कि मतलब किसी का कहीं पर मर्डर हो गया, चलो मर्डर की बात करते हैं, ठीक है, मर्डर हो गया है तो वो कि इस फलाने व्यक्ति ने मर्डर करा है, वो सामने खड़ा है वहाँ पर, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट करना है, तो वो कैसे अरेस्ट करेंगे उसको? दिखाएंगे पहले उसको, की कोई जरूरत नहीं है उसमें, तो टोटली ये है कि स्टार्टिंग में जब कोई भी पुलिस स्टाफ आएगा तो जाकर वहाँ पर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करेगा और स्टेटमेंट लेगा और क्या किस हथियार से किसी को अरेस्ट करना है, तो सबसे पहले उसके खिलाफ जो है फजूआत गिरफ्तारी को लेना जरूरी है। मान लो जैसे मर्डर किया किसी ने, तो उसमें हम डायरेक्ट उसको अरेस्ट करेंगे, हमारे पास एक तो एविडेंस होना जरूरी है, प्रूफ होना जरूरी है, तब हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर मान जैसा नहीं मर्डर किया, आप बोलेंगे इसने मर्डर किया, तो आपके कहने पर ऐसा नहीं होगा। जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ जो वजूहत गिरफ्तारी ना गुजरे तब तक हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आपको एक मैं और बात बताऊँ, हथियार चाहिए था, हथियार चाहिए था, हथियार के बाद ही होगा, हथियार लगती है और कबरी उसमें ना होती है। अरेस्ट की बात मैंने बोला, अरेस्ट के बारे में आपको बताना, जब हमने किसी को अरेस्ट करना है तो सबसे पहले उसके खिलाफ हमारे पास सबूत होने चाहिए, एविडेंस चाहिए, रिकवरी चाहिए, तब हम उसको गिरफ्तार करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पुलिस ऑफिसर जैसे SI साहब आए या कोई SHO साहब आते हैं या कोई भी आता है, तो अगर वो गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आते हैं तो उस व्यक्ति का कानूनन अधिकार होता है कि वो उनसे पूछे कि मुझे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको या तो उसके परिवार के सामने गिरफ्तार किया जाता है, नहीं तो अगर उसका परिवार नहीं है या किसी ऐसी अकेली जगह से जंगल से या कहीं से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो पहले अपना नाम भरते हैं, फिर सर्वे भरते हैं, फिर अपना जेंडर डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर भी एंटर करते हैं, फिर किसी प्रकार का टेस्ट और आठ अंक करके फिर। अच्छा, वेरी गुड। आपकी एज कितनी है बता दो?